आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चॉप। इसे अच्छे से वॉश करके इसमें डाल लिया। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 स्पून। अजवाइन डालेंगे बस 1 स्पून। जीरा पाउडर डालेंगे 1 स्पून। ये गरम मसाला पाउडर है 1 स्पून। ये 1 स्पून कुटा हुआ धनिया है। ये ब्लैक पेपर है 1 स्पून। ये कुटी हुई मिर्ची है 1 स्पून। और ये 1/2 स्पून पिसी हुई मिर्ची है। सिरका डालेंगे, 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे और 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको 5-10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे। थोड़ा सा मसाला इसमें बैठ जाएगा। क्या है, इसको 10 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही रख देंगे। अब इस चॉप को हम गलाएंगे, 20-25 मिनट पकाएंगे। गल जाने तक 20-25 मिनट इसे पकाएंगे हम। थोड़ा सा भूनेंगे इसे ऐसे। अब इसे भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जाके गल जाए। देखिए अभी इसे हम भून रहे हैं, बिना ऑयल के भून रहे हैं इसे। अभी हम जो हमने मसाले डाले हैं इसमें वो अच्छे से भून जाएंगे। ऐसे हल्के हल्के चलाते हुए भूनेंगे थोड़ी देर। अब हमारे मसाले देखो भुनने लगे हैं, थोड़े थोड़े पलट पलट के भूनते रहेंगे ऐसे इसको। और इसमें पानी डाल के गलने के लिए, इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गल ना जाए। अब इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी। एक कप पानी डाल दूंगी गलने तक के लिए। ये 15-20 मिनट तक के लिए पकाएंगे इसे। अब देखिए हमारी ये मसाला चाव टेंडर हो चुकी है। उसका ये पानी थोड़ा सा है, इसे हम ऐसे ही भून लेंगे। थोड़ी देर और पकाएंगे इसे, ये पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। इसे चलाते हुए टेंडर हो चुकी है हमारी चाव। इसे बस 2-4 मिनट और पकाएंगे पानी खुशक होने तक। फिर इसको ठंडा करेंगे। देखिए अच्छे से भुन गया है। अब गैस बंद कर देंगे। बंद कर दीजिए, छोटा ही लग रहा है। अब 2 अंडे डाल देंगे। दो टेबल स्पून बेसन डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अभी अंडे और बेसन हमने मिक्स कर लिया है, अभी चॉप डाल देंगे इस पर। अब इसे इसमें मिक्स करेंगे। एक एक को इसे मिक्स कर लेंगे इस बैटर में। सारी चॉप बैटर में मिक्स हो चुकी है। ब्रेड क्रम में अब एक एक चॉप लेकर एक एक चॉप को इसमें ब्रेड क्रम में लगाएंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम लगाएंगे और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। सारी चॉप पे इसी तरह से हम ब्रेड क्रम लगा लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा और तेज करेंगे। इसको तेज में ही डालना है। तेज तेल में इसको डालेंगे क्योंकि गला हुआ है हमारा चावल। बस इसको फ्राई करना है। अब इसको पलट देंगे। एक तरफ से हो चुका है, ये देखिए, इसको भी पलट देंगे। इसी तरह से सारी चॉप पलट देंगे। अब इसको पलट कर पकाएंगे और इसको तेज गैस पर ही पकाएंगे हम। इसी तरह हम सारी चॉप अपनी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा और इसको पलट पलट कर पकाएंगे। एक बार और पलट देंगे। अच्छे से इसको फ्राई करना है। ये देखिए, अब हो चुकी है हमारी ये वाली फ्राई। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हो चुकी है हमारी, देखिए कैसी अच्छी ब्राउन हुई है। ये खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है इनमें से। इसी तरीके से हम सारी कर लेंगे।